हेलो स्टूडेंट, आपने देखना शुरू कर दिया है स्किल डायरेक्शन। आज हम पीएचडी से रिलेटेड अपडेट लेके आए हैं। यह जामिया मिलिया इस्लामिया एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहाँ पे पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन जारी हुआ था पिछले महीने। अब यहाँ पे इसका एडमिट कार्ड जारी हो गया है। इसी के बारे में हम अपडेट लेके आए हैं कि आपको अब किस तरह से डाउनलोड करना है, और जाके आज से आप यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं पीएचडी से रिलेटेड अपडेट लेके आते रहता हूं। जैसे कि मैंने स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आईआईटी और एनआईटी, आईसर और ट्रिपल आईआईटी, आईआईएम और अदर्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी के से रिलेटेड अपडेट पर मैं वीडियो बनाते रहता हूं। तो बिना देरी के चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि कैसे आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। तो ये देखिए, पहले आपको हम बता दें कि 24 नवंबर को ये पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट का डेट आउट हो गया है। देख लीजिए, यहाँ पे आपका एग्ज़ाम जो है 16 तारीख से शुरू हो जाएगा और आज 5 तारीख है, तो और 10 दिन लगभग टाइम है आपका एग्ज़ाम शुरू होने में। तो देख लीजिए, 10 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी हुआ है, तो जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको डेट भी देख लीजिएगा, और नहीं देखे हैं तो मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना दिया हूँ, तो इसका आपको डिटेल्स में नहीं बताऊँगा। अब चलते हैं कि आपको एडमिट कार्ड कहाँ से डाउनलोड करना है। तो देखिए, जामिया की वेबसाइट पर जाकर आपको ये कहाँ जाना है आपको बता देते हैं। देख लीजिए, ये जामिया यहाँ पर करना है, jamiacoe.in, jamiacoe.in पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा वो इस वेबसाइट पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाइएगा। और आपको यहाँ पर इसके नीचे जाना है। नीचे जाकर आपको यहाँ पर देखिए पीएचडी यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पे पीएचडी यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है बताते हैं। पहले क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए ओपन हो रहा है। देखिए, बहुत जल्दी ओपन हो गया। तो देखिए, इस तरह से सरफेस खुल जाएगा आपका, पूरा डिटेल्स में इस तरह से आपका खुल जाएगा। तो देखिए, जैसे कि आपने फॉर्म यहीं से अप्लाई किया होगा, यहाँ से अप्लाई किया होगा आपने, जब फॉर्म अप्लाई किया होगा यहाँ से अप्लाई किया। अब यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, ना न्यू ये करना है, एक्टिव करना है योर अकाउंट। आप सिर्फ यहाँ पर जाइएगा, लॉग इन करना है, यहाँ पे साइन इन करके आप अपना एडमिट कार्ड जैसे ही जाइएगा आपका खुलेगा पूरा, वहीं पर देख लिया आ जाएगा ऑप्शन डाउनलोड एडमिट कार्ड। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करें, दिखाते हैं क्लिक करके, तो इस तरह से आपका ओपन हो जाएगा। तो इसमें ईमेल आईडी डालिए, इसी में अपना पासवर्ड डालिए और यहाँ पर सबमिट कर दीजिएगा, तो आपका पूरा डिटेल्स खुल जाएगा, उसी में एडमिट कार्ड होगा। और देखिए, यहाँ पर अगर पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ से फॉरगेट है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं इस पर क्लिक करके। जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे वो ऑप्शन आ जाएगा, आपका ईमेल आईडी पे चल जाएगा और पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं, और चाहे रिमाइंडर भी आ जाएगा यहाँ पे आप पे। तो ये रहा पीएचडी से रिलेटेड एडमिट कार्ड के बारे में जानकारी जामिया में। अगर आपको इस तरह की इसमें कोई परेशानी आए, क्योंकि मैं डाउनलोड यहाँ से नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इसके लिए ईमेल आईडी चाहिए यहाँ पर देखिए, और पासवर्ड चाहिए, और रिमाइंडर तब सबमिट करेंगे तब होगा। क्योंकि मैं इसमें अप्लाई नहीं किया हूँ, तो मैं डाउनलोड भी करूँगा तो नहीं हो पाएगा। अगर एप्लीकेशन डालिए और आप अप्लाई कीजिए इसमें और डाउनलोड कीजिए, देखिए कहाँ सेंटर है, कब तक आपका डेट है, क्या है, और उसके बाद अनुसार क्या क्या इंस्ट्रक्शन। कभी कभी इंस्ट्रक्शन भी मांगते हैं कि आपको एडमिट कार्ड ओरिजिनल लाना है, आधार कार्ड लाना है, आई प्रूफ लाना है, या अपडेटेड चीज़ें लानी है, या टाइमिंग हो जाएगा कि आपको इतना बजे पहुंचना है, एंट्री है, पूरा इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है उसमें। तो उसको पढ़ लीजिए, क्या क्या लेके आना है, क्या क्या व्यवस्था का कहना है, उसमें आपको पूरा डिटेल्स होगा। तो उसमें जाकर देख लीजिए एडमिट कार्ड। अगर कोई भी समस्या आ रही है तो बताइए, क्योंकि आज ही अपडेट हुआ है, अभी अपडेट हुआ है यहाँ पर ये वाला एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन। तो ये एक्टिव हुआ है लिंक, तो इसको यहाँ पर आप जाकर अप्लाई करती अप्लीकेशन अप्लाई करके भरिए और डाउनलोड कीजिए। जो भी समस्या है हमसे बताइए। थैंक यू वाचिंग स्किल डायरेक्शन। हेलो स्टूडेंट, आप पीएचडी करना चाहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है, क्योंकि स्किल डायरेक्शन पर पीएचडी से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। पिछले एक महीने में स्किल डायरेक्शन ने 70 यूनिवर्सिटियों के पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन पर ऑन टाइम वीडियो बनाया है। पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्किल डायरेक्शन।